मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पर ये चाइल्ड ये मुझे हमेशा तुम्हारे पास होने का एहसास दिलाती रहेगी। इनकी आवाज मेरे कानों तक नहीं, मेरे दिल को छूती, मुझे उन दिनों में ले जाती है जब वक्त सुबह शाम से नहीं हमारे साथ होने से गुजरता था। वो वक्त तो गुजर गया, पर काश ये वक्त यही थम जाए। मुंह खोलेंगे ना सिर्फ लड्डू खाने के लिए। अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं तो सोचा भी नहीं था अपनी ईशानी इतनी ब्यूटीफुल है लेकिन इतनी बोल्ड भी निकलेगी। बस एक बार उसका डिवोर्स हो जाए ना बा, एलिमनी में इतने सारे पैसे मिलेंगे कि हम लोग फिर से रिची रिच हो जाएंगे। ईशानी ने वो काम किया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ऐसी सिक्सर मारी है ना मार्डर कि हम मैच ही जीत गए। ये उसने पहले क्यों नहीं सोचा? बा शायद लास्ट बॉल का वेट कर रही होगी। लेकिन बा अब हमें ना उसके डिसीजंस को सपोर्ट्स करना चाहिए, उसके साथ ही रहना चाहिए ना। लेकिन भाब्स यू नोज ना, अगर भाब्स मना कर देगी ईशानी को डिवोर्स लेने के लिए तो मार्डर। नहीं नहीं, ईशानी अपना फैसला अब नहीं बदलेगी। वो ये अम्बा और रणवीर के रोज रोज के नाटक से तंग आ चुकी है और वो जो भी कर रही है वो हमारे लिए कर रही है। वो हर्षद का खून नहीं है पर हर्षद का परछाया है उस पर। वो वही करेगी जो हर्षद करता था। हमजे ने वो हमेशा अपनी फैमिली की सुरक्षा देखेगी। हमें कुछ करना होगा मनस, मैं रणवीर का नाम भी इसमें शामिल नहीं होने देना चाहती। I'm sorry, शानी, मेरी वजह से मैं रणवीर से डिवोर्स लेना पड़ रहा है और ये बात मालूम भी नहीं है किसी को कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। और किसी को पता लगना भी नहीं चाहिए। प्लीज मनस, किसी को कुछ मत बताना। अच्छा ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना। सबसे पहले हमें वो नकली डायमंड्स की कंसाइनमेंट को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो कंसाइनमेंट क्लाइंट तक पहुंच गए और फ्रॉड का केस मुझ पर भी हो गया तो फिर रणवीर का नाम खराब होगा। सब यही कहेंगे कि रणवीर ने जानबूझ के वो कंपनी अपनी पत्नी के नाम पे कर दी ताकि वो उसके नाम से फ्रॉड कर सके। हालांकि उसे जेल नहीं होगी, उसने अपने नाम बहुत मेहनत से कमाया है। और मैं उसे अपना नाम जोड़ के बिल्कुल भी खराब नहीं करने देना चाहती। ठीक है शानी, हम सुबह सुबह जाकर कंसाइनमेंट रुकवाएंगे। मानस हमें कर पाएंगे ना? शानी हम पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए हमें सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, रणवीर के ऑफिस पहुंचने से पहले। अरे आज पूजा नहीं सगाई हो रही है, सगाई ऐसे धीरे धीरे कैसे चलेगा? बाहर सारा काम हो जाएगा, इट बी डन। सारे काम टाइम से होने चाहिए ना, आज ही सगाई है। उधर देख उसे, उसे देख। अरे रिवर्स, उधर नहीं उधर लगा, वहां से मेहमान आएंगे ने। और सुनो देवश, तुम दोनों वहां जाओ, पहले वहां तैयारी करो, लड़के और लड़की वहां बैठेंगे ना प्लेटफॉर्म्स पे, वहां पे डेकोरेशंस करो ना। अरे तो पर बाले मुझे ये छोड़ दो, पहले प्लेटफॉर्म्स डेकोरेशन, जाओ घुस। ए मोटी बहन, इनके सर्कस तो अभी भी चालू है। चिंता मत कर लक्ष्मी, जब रिंग मास्टर आ जाएगा ना तो सब चुप हो जाएंगे। वाह क्या करेगा देवश, तो पहले करके जल्दी जल्दी आना, चल जा जाने।
ये क्या शोर मचा रखा है मेरे घर में? क्या हो रहा है यहाँ पे? तुझे तो बताना ही भूल गई, आज है ना मेरे शर्मन और रितिका की सगाई है, तो यहाँ उसी की तैयारियां चल रही है। शर्मन और रितिका की सगाई मेरे घर में, किससे पूछ के रखा है फंक्शन? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जिसका जो मनाएगा वो करेगा। ये घर तो ईशानी का भी है, और यहाँ कुछ करने के लिए हमें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, ईशानी और मेरा डिवोर्स होने वाला है, और उस नाते उसका इस घर में कोई हक नहीं है। भूल तो तू रहा है रणवीर, जो ईशानी ने तुझसे कल कहा था कि वो तेरी पत्नी है, इसलिए तेरी हर चीज पर उसका आधा हक है। और जिस घर की तू धौंस जमा रहा है ना, वो घर भी आधा ईशानी का है। हम उसी के आधे हिस्से में तैयारियां शुरू कर रहे हैं। तो दूसरी बात, अभी तलाक हुआ नहीं है, जब होगा तो बता देना। चल रे करवा मांगे। आप अपने इस गिफ्ट की तारीफ कर रहे थे, नाम इतना बड़ा और दिल इतना छोटा, मतलब कुछ बात करने के लिए बचा नहीं, तो हमारी छोटी छोटी खुशियों में टांग अड़ा दो। अब रणवीर इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। आई मीन रणवीर तो मेरे भाई की सगाई इस घर में होने नहीं देगा, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने डिवोर्स के फैसले को ना बदल देती हूँ और इसी घर में रुक जाती हूँ। एटलीस्ट यहाँ रह के मैं अपने भाई की सगाई तो करा ही सकती हूँ। यार इतनी मुश्किल से मैंने अपना मन बनाया, बट मुझे नहीं लगता कि रणवीर मुझे इस घर से जाने देना चाहते हैं। So sweet, रणवीर। नहीं नहीं, वो ऐसा थोड़ी ना कह रहा है रणवीर। अबे रेवा देना है, वो भी किनके मुंह लग रहा है? सगाई कर रहे तो करने दे, वैसे भी कितने दिन बचे इन लोगों के, जाने से पहले अगर थोड़ी खुशियां मनाना चाहते हैं ना, मनाने। अरे दुनिया के लिए तो इतना कुछ करता है, थोड़ी खुशियां इनको भी दे दे। यू नो, मैंने कभी नहीं सोचा था कामयाबी की इतनी ऊंचाइयों पे उड़ने वाला आरवी आज इतना गिर जाए कि अपनी दोस्त रितिका को भूल जाएगा। आई मीन दोस्ती के बीच में हमारी दुश्मनी को लाना, दैट्स रियली सैड। अब तुम्हीं ने मुझे रिश्तों के बारे में लेक्चर दिया था, राइट? खुद की शादी का रिश्ता तो निभा नहीं पाए, एटलीस्ट दोस्ती का तो निभा लो। अब तो ये सगाई इस घर में होके रहेगी। क्योंकि तुमसे ज्यादा मेरे लिए रितिका की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। वाह काकी, आप लोग सगाई की तैयारियां स्टार्ट कीजिए, मैं थोड़ी शॉपिंग कराती हूँ। कोई कुछ नहीं कर। मेरे लिए हाँ, ऑफ कोर्स।
आई एम सॉरी रणवीर, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। हाँ मनस, मैं आ रही हूं। कंसाइनमेंट की फाइल ही होनी चाहिए, इसी से पता चलेगा कि डायमंड्स कहाँ डिलीवर हो रहे हैं। जल्दी करो मनस, कि कंसाइनमेंट निकल ना जाए। मिल गई निशानी, यही है वो फाइल। निशानी, इस कंसाइनमेंट के लिए एक्साइज अप्रूवल जरूरी है, वहीं चल के इसको रोकते हैं। चलो चल। सामने रो सकती है, तुम्हें मुझसे अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ये आंसू किसके लिए। फाल्गुनी, से मेरी तसल्ली मत समझना, पर मेरा दिल कहता है कि ईशानी के इस फैसले के पीछे कोई वजह है, वो कुछ और करना चाहती है। करवा चौथ की रात उस पर भरोसा ना करने की गलती कर चुकी हूं मैं, और वो दोबारा नहीं करना चाहती। उसके हर फैसले पर मुझे भरोसा है, लेकिन उसे रणवीर से अलग होते हुए नहीं देख पाऊंगी मैं, और क्योंकि यह फैसला उसके अकेली का है, इसलिए मैं उसकी कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगी। फाल्गुनी, तुम परेशान मत हो, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, ईशानी के इस फैसले के पीछे कोई वजह है, और वो रणवीर से प्यार करती है, वो खुद कभी उससे अलग नहीं होगी। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो प्लीज मेरी मदद करो, पता करो कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो रणवीर से अलग होने की बात कर रही है। मैं पता करूंगा फाल्गुनी, लेकिन उसके लिए मुझे इस मामले की जड़ तक जाना होगा, क्योंकि वहीं से इन दोनों के रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी। बैठी, अभी आ रहे हैं। हम एक साइज ऑफिसर से मिलना। क्या काम है? वो एक कंसाइनमेंट के बारे में बात थी। उनको आने में टाइम लगेगा, आप क्यू में बैठ जाइए। इट्स वेरी अर्जेंट, हम एक डायमंड कंसाइनमेंट रुकवाना है, अगर हमने वेट की तो कंसाइनमेंट निकल जाएगी। देखिए, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको उनसे मिलना है तो उनको आने में 2-3 घंटे लगेंगे, आपको वेट करना ही होगा। प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए, उस कंसाइनमेंट का रुकना बहुत जरूरी है। जब रुकना इतना ही जरूरी था तो उसे अप्रूवल के लिए भेजा क्यों आपने? गलती की है तो बा भुगती है। हम यहाँ बैठे क्या डबल काम करते रहे? पहले अप्रूवल बनाया, उसके बाद उसे कैंसिल करे, यही सब करते रहे, यही काम है अब हमारे इधर। देखिए प्लीज, मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ, प्लीज उस कंसाइनमेंट को अप्रूव मत कीजिएगा। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सर आएंगे उसके बाद ही कुछ होगा, जो करेंगे वो ही करेंगे। अब जब तक वो नहीं आते आप उनका वेट कीजिए, वो भी लाइन में। एक्सक्यूज मी, शनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। नहीं, इट्स ओके। शानी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, और अगर तुम खाली पेट रही तो तुम्हें चक्कर आ जाए। मुझे कुछ नहीं होगा मनस, रणवीर की बदनामी के डर से नहीं, मुझे भूख लग रही और ना ही प्यास। जब तक मैं ये काम नहीं खत्म कर ली थी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। प्लीज डोंट फोर्स मी रितिका, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट अटेंड नहीं कर सकता हूं। पर क्यों? एंगेजमेंट तुम्हारे ही घर में है, हाँ पे सब लोग होंगे, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, तो बताओ मुझे कैसा फील होगा? आई नो कि तुम्हें बुरा लगे, पर वहां जाके मुझे कैसा लगेगा इसका तुम्हें आइडिया भी है? मैं उसे अपने घर में तो क्या, मैं सामने भी नहीं देख सकता उसको। अरे, वो जिस तरीके से मुझसे बिहेव कर रही है, वो इतना एटीट्यूड दिखा रही है, तुम्हें सब जानती हो ना रितिका, फिर भी तुम मुझे फोर्स कर रही हो। आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो तुम्हारी वाइफ है, तुम उससे प्यार माय फुट ना, तो मैं उससे प्यार करता हूँ ना, ही मेरी वाइफ है। इतने दिनों से जब मैं उसे अलग होना चाहता था, तब उसने सारी कोशिशें की रिश्ते को बचाने की, और जब मुझे फाइनली लगने लगा कि हाँ रिश्ते में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, तब वो फिर से पुरानी निशानी बन गई।
फिर से मुझे एटीट्यूड दिखाने लगे और तुम इस झूठ का सहारा लोगे? रितिका, तुम इमोशंस को अच्छी तरीके से पहचानती हो, इंसानों को अच्छी तरीके से पहचानती हो, तुम इतनी प्रैक्टिकल इंसान, फिर भी तुम इसको समझ नहीं पा रही। मेरे मोटा बाबू जी, उन्होंने लाइफ में बहुत पैसा कमाया रितिका, लेकिन कभी भी पैसों को रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्हें विश्वास था कि उनकी सोच उनका परिवार आगे लेकर जाए, पर आज मेरा नहीं उनका विश्वास टूटा है, क्योंकि उनकी खुद की बेटी पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है रिश्तों से। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा रितिका कि वो मुझसे पैसे मांग रही, पर मुझे उसके तरीके पे गुस्सा है। उसे ये लगता है कि मैं उसे पैसा देना नहीं चाहता, उसे लग रहा कि मैं छोटी सोच का छोटा आदमी। रितिका, 9 साल की उम्र से मैं उसे जानता हूं, पर आज जो मेरे सामने है मैं उसे नहीं जानता। तो सीरियसली, आई डोंट नो हर। आई एम सॉरी आरवी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर सच में ईशानी तुम्हारे साथ ये सब कर रही है तो तुम उसे बताओ कि तुमने उसकी फैमिली के लिए क्या क्या किया है। मैंने उसके साथ ही उसकी फैमिली के साथ अच्छा किया है, तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती। ऊपर वाला देख रहा है, मैं तो उससे फिलहाल बात भी नहीं करना चाहता। देखो रितिका प्लीज, ये तुम्हारी एंगेजमेंट है और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी एंगेजमेंट अच्छे से, तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, प्लीज उसे मेरी वजह से खराब मत करो। मेरी लाइफ का बेस्ट डे मेरे बेस्ट फ्रेंड के बिना कैसे हो सकता है? देखा, प्लीज तुम आरबी, प्लीज, क्या तुम सिर्फ एक शाम के लिए सब कुछ भुला नहीं सकते, ताकि मैं अपने एंगेजमेंट को हमेशा याद रख सकूं? प्लीज से यस। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं आऊंगा। थैंक यू। शानी, लगता है ये एक्साइज ऑफिसर, चलो। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? लाइन नहीं दिखाई दे रही आपको? प्लीज हमें जाने दीजिए, बहुत अर्जेंट काम। यहाँ सबको अर्जेंट ही काम रहता है, प्लीज आप लाइन में आ जाइए। मलस, देखिए हमें प्लीज पहले जाने दीजिए, अगर हम अभी इनसे नहीं मिले तो मेरे पति बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। प्लीज, ये उनके और उनके पूरे परिवार की इज्जत का सवाल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए, क्या काम है? हमें आरवी डायमंड कंपनी का कंसाइनमेंट कपाना है, आज की डेट का। आरवी डायमंड कंपनी? मैं आरवी की वाइफ ईशानी। वो कंसाइनमेंट तो अप्रूवल भी हो गया और डिस्पैच भी। अगर अभी आपको वो चाहिए तो आपको कुरियर ऑफिस जाना। कुरियर ऑफिस? हाँ मुझे पता है, वो आगे की सारी डिलीवरी वहीं से होती है। चलो। मिसेस पारेख, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वहाँ जाते वक्त आप ओनरशिप के सारे पेपर्स लेके जाइए, क्योंकि उसके बगैर वो आपको किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं कर पाएंगे। ओनरशिप के पेपर्स तो लॉयर के पास है। तो एक काम करते हैं, पहले वहीं चलते हैं। चलो। वो सब मुझे पता है, आप बस मुझे इतना बताइए कि मेरे ओनरशिप पेपर्स नोटरी ऑफिस से आए कि नहीं। मैंने आपको फोन पे बता दिया था, मैंने आपके पेपर सबमिट कर दिए हैं, पर नोटरी में टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास मानस, कुछ टाइम पे नहीं हो रहा, 4 बज गए। हम शानी, आई थिंक हमें यहाँ वेट करने की जगह नोटरी ऑफिस जाके खुद पेपर कलेक्ट कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें कुरियर ऑफिस भी जाना है, कहीं अगर हम लेट हो गए तो वो कंसाइनमेंट डिलीवर ना हो जाए। यही ठीक रहेगा, आप नोटरी ऑफिस से अपने पेपर से ले लीजिए, मेरा आदमी आपको वहाँ मिल जाएगा। चलो। जल्दी करो मनस, कहीं कुरियर ऑफिस से पार्सल निकल ना जाए। ट्रैफिक ईशानी, तो बहुत बड़ा जाम लग रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं भाग के जाती हूँ, तो मुझे डायरेक्टली वहीं पे मिलो। ईशानी, ईशानी, ईशानी मेरी बात सुन। ईशानी, नहीं तुम किचन का काम देखो और मैं वो काम कर लूँ। प्रतीक, हाँ तुमने बाहर का सब देख लिया? हाँ बस जाइए। सुन, आई नो तुम क्या सोच रहे हो, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पता नहीं इस घर की खुशियों को क्या हो गया है। खुशियां मनाई तो जाती हैं, पर खुशी नहीं है कुछ भी। खुशियां होंगी कैसे,
एक तरफ चरण भाई की सगाई हो रही और दूसरी तरफ ईशानी की शादी टूट रही है। पर एक मिनट, एक बात समझ नहीं आई। जब मिशन नसीर सक्सेसफुल था, ईशानी इतनी खुश थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि उसने अगले दिन ही डिवोर्स का फैसला ले लिया? और जबकि चिराग ने रणवीर को यह भी बताया था कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, अब तो उन दोनों के बीच में सब ठीक ही हो रहा था, पता नहीं भाभी ने ऐसा क्यों। देखिए, हमारे डायमंड कंपनी के आज के कंसाइनमेंट के बारे में पता करना है। वो डिलीवर तो नहीं हुआ ना? उनका कंसाइनमेंट तो कब का डिलीवर हो चुका है? जैसे ही हमें एक्साइज की तरफ से क्लियरेंस मिली, हमने वो कंसाइनमेंट डिलीवर कर दिया। और मैंने आपको फोन किया था कि उस कंसाइनमेंट को। देखिए सर, मैंने आपसे फोन पर पूछा भी था कि क्या आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपने कहा था कि वो नोटरी के लिए गए हुए हैं। और हमारा हर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है शाम तक डिलीवर करने का, और अगर हम नोटरी का वेट करते तो वो कुरियर डिलीवर नहीं कर पाते, इसीलिए हमने कुरियर भेज दिया।